ये है बोट एड 170, बट बोट ने लॉन्च क्यों किए, 1300 रुपए इनका प्राइस कोस्ट करता है, 1300 रुपए पे या 1500 रुपए के अंदर बोट के ढेरों सारे ईयरबड्स हैं इंडियन मार्केट में, जो कि इवन दो डेडिकेटेड गेम मोड के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको 50 ms की गेम लेटेंसी मिलती है एंड कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं, बट क्या सच में ये लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट थी, कुछ यूनिक तो किया नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट से। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट देखने मिलेगा बॉक्स पे, पीछे की हाइलाइट्स देखने के लिए मिल जाती है। देन अगर आप ओपन करते हैं सबसे पहले ईयरफोन्स, उसके अलावा आपको अलग सेक्शन दिया गया जिसमें चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल, 2 pair ऑफ एक्स्ट्रा एडेप्ट्स एंड एज यूजुअल ढेरों सारे पेपर वर्क। जहां तक प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी है, पूरा का पूरा मैट फिनिश के साथ फील होता है एंड काफी अच्छा है। साइड से थोड़ा सा यूनिकनेस क्रिएट करने की ट्राई की गई है। बोट का लोगो है एंड उसके नीचे 4 LED इंडिकेटर हैं, जो कि आपको नॉर्मली विजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको लिड ओपन करनी होगी एंड एक एंगल चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसको देखने के लिए। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जहां तक ईयरफोन्स की बात है, वो आपके स्टेम शेप में मिलते हैं। इन सेक्शन भी काफी अच्छा है एंड ईयरफोन्स भी आपको पूरा का पूरा मैट फिनिश में मिल जाते हैं, जो कि इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं। जहां पे सेम जो चार्जिंग केस वाला पैटर्न है वो फॉलो करने की ट्राई की गई है। बोट का लोगो के साथ लेफ्ट एंड राइट के इनिशिएशन देखने के लिए मिल जाएंगे। इन ईयर फिटिंग है तो आप लंबे आवर्स तक 3 to 4 hours तक बिना कोई परेशानी के, दिक्कत के इनको यूज कर सकते हैं। कंफर्ट लेवल काफी अच्छा दिया गया है। हाउएवर कंफर्टेबल नहीं है डिफॉल्ट वाली सेटअप से, उसको आप स्विच कर लेना लार्ज एंड स्मॉल में अपने अकॉर्डिंग। सो बिकॉज ऑफ बेटर एयर ग्रिप, ये आपको लाइक जॉगिंग के लिए परफेक्ट रहेंगे। थोड़ा सा फिजिकल आइसोलेशन या फिजिकल नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करते हैं, हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस कम हो जाता है आपकी सराउंडिंग का, अगर इसको अच्छे से पहने हुए तो। एंड आपको मिलता है IPX4 की रेडिंग, जो कि स्वेट रेजिस्टेंट है ड्यूरिंग वर्कआउट, हल्का फुल्का स्वेट कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। 170 आ रहे हैं 5.3 की कनेक्टिविटी के साथ, जो कि काफी क्विक है। पेयरिंग में जस्ट लीड ओपन करने ईयरफोन्स का ऑप्शन आ जाएगा एंड थैंक्स टू दैट पेयरिंग आपको 15 meter की डिसेंट रेंज मिल जाती है। तो आप अप एंड डाउन करते थोड़ा इधर उधर, तो कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टोर्शन नहीं आता वॉइस में। एंड जैसे ही आप लिड को क्लोज करते हैं, ईयरबड्स राइट अवे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट करने में 1 to 2 seconds का हल्का सा डिले आता है। बेटर साउंड आउटपुट के लिए यहाँ पे 13 mm के आपको ड्राइवर मिलते हैं, जो कि काफी अमेजिंग ड्राइवर साइज है एंड साउंड वाइज बोट सिग्नेचर साउंड ही यहाँ पे। बट अगर बेस की मैं बात करूं, बेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है एंड अच्छा वाला बेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट नाम के लिए दिया हुआ है या बेस में कंप्रोमाइज करने का मिलेगा, वो चीज नहीं, बढ़िया क्वालिटी का बेस है। साथ साथ साउंड क्लैरिटी लेवल भी ये मेंटेन किया हुआ, विच इज ए गुड पॉइंट एंड वॉल्यूम लेवल भी अच्छे मिल जाता है। लाइक काफी लोग 100% वॉल्यूम लेवल पे इसको यूज नहीं करना चाहेंगे बिकॉज काफी लाउड हो जाता है। फॉर म्यूजिक आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, बेस एंड साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। गेस्चर्स में आपको म्यूजिक प्ले पोज नेक्स्ट प्रीवियस के साथ मिलता है एंड गेम मोड आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करेंगे लेफ्ट ईयरबड को तो आपका वॉइस असिस्टेंट भी अवेक हो जाएगा। बट जहां तक इसके एक्यूरेसी की बात है, 9 times वर्क करता है विद ए ग्रेट एक्यूरेसी एंड जो इसके टच सेंसर वो काफी रीचेबल, आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अब गेम मोड की बात करते हैं, 50 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है एंड जब मैंने ट्राई आउट किया इसको BGMI में, मेरे को काफी अमेजिंग रिजल्ट लगे। लाइक आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, 50 ms लेटेंसी बोलिए बट साउंड लाइक 40 ms। तो आप गेम खेल सकते हैं लाइक BGMI, COD एंड काफी सारे ऐसे गेम है जो आप ईयरबड्स से खेलना चाहेंगे, तो डेफिनेटली यार ये रिकमेंडेड है। मेरे को ये इमोर्टल सीरीज से थोड़ा सा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ गेम एंड साउंड। सो एनिमी के फुटस्टेप हो या फिर नॉर्मल आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपका कम्युनिकेशन हो ड्यूरिंग गेम, वो काफी अच्छा है। बट क्या कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कॉल अच्छा है नहीं है, आउटडोर कंडीशन में मैंने माइक्रोफोन टेस्ट किया, रिजल्ट सुनिए एक बार। ये जो माइक्रोफोन टेस्ट है ये बोट के एयरबड्स 170 से हो रहा है, हम अभी आए हैं नाइट में आउटडोर कंडीशन में माइक्रोफोन टेस्ट करने, ताकि एक आइडिया लग जाए बेसिकली जो नेचर होता है उसके अराउंड कैसी साउंड करेगी इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी। तो वो चीज आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं एंड ये वीडियो कैसा लगा वो चीज भी बता दीजिए। तो गाइस आपने रिजल्ट सुन लिया आउटडोर कॉलिंग के एंड कॉल क्वालिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगी। तो आउटडोर कॉल में आप प्रेफर कर सकते हैं इसको एंड ड्यूरिंग मेट्रो, ड्यूरिंग योर प्राइवेट कैबिन, ऑल दैट आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, कॉल हो या फिर आपका म्यूजिक हो। बैटरी बैकअप का जहां तक सवाल है, 50 hours का बोट ने प्रॉमिस किया है बट सिंगल टाइम चार्जिंग में 9 hours का मिल जाता है बैटरी बैकअप,
बट कंडीशन ये है 60% वॉल्यूम होनी चाहिए तभी आपको वो बैटरी बैकअप मिल पाएगा। बट हम जैसे लोग जैसे 100% वॉल्यूम लेवल यूज करते हैं, कॉल पे भी बात करते हैं, गेम भी खेलते हैं, तो उस कंडीशन में 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि अगेन एक गुड पॉइंट। एंड 6 × 5 लाइक 30 आवर्स के अराउंड बैटरी बैकअप आप इंजॉय कर पाएंगे, विच इज ए गुड पॉइंट। चार्जिंग टाइम की बात है विद केस, लाइक केस को चार्ज करने में करीबन 2 घंटा लगता है, ईयरफोन्स को चार्ज करने में जस्ट 40 मिनट का समय लगता है, विच इज फास्ट इनफ। एंड आपका केस अगर चार्ज है तो इतनी परेशानी आपको होने नहीं वाली, आप जस्ट पुट कीजिए थोड़ा टाइम के बाद ईयरफोन्स चार्ज एंड यू आर गुड टू गो। सो गाइस अंडर 1500 रुपीज अगर अभी आपको लेने हैं तो दिस इज द बेस्ट चांस, क्योंकि 1300 रुपये इनका प्राइस है। मे बी बाद में प्राइस अपडेट हो जाए या अभी अपडेट हो चुका होगा क्योंकि ये वीडियो आएगी कल मॉर्निंग में। सो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं नीचे लिंक दिया गया, जाके परचेज कर सकते हैं एंड कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।